इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। बोलते रहो, तुम्हें बुलाया किस लिए? फिर आपकी बात सुन रहा हूँ, तुम्हें बोलते रहो। हाल ही के कुछ सालों में भारत में मीडिया की छवि गोदी मीडिया के रूप में उभरी है। इसका एक कारण ये है कि मीडिया सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करता। कई ऐसे मौके भी आते हैं जब गोदी मीडिया एंकर्स पर विपक्षी नेता भारी पड़ जाते हैं। आज हम उन्हीं के कुछ डिबेट्स की बात करेंगे। न्यूज नेशन की एक डिबेट में एंकर दीपक चौरसिया द्वारा हिंदू मुस्लिम एंकर लाने की कोशिश की गई तो CPI नेता उन पर भड़क उठे। एक घंटा हो गया तुम बकबक चौधरी कर रहे हो, अरेगा कि ये फैसला कर दिया है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे, तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूँ, भड़वे पत्रकार के हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। और सुन लीजिए, बोलिए सीधी करने वाले पत्रकार हो, बोलिए आंदोलन की परिभाषा जानोगे, तुम जानोगे आंदोलन, बोलिए बोलिए पढ़ने पत्रकार हो तुम्हारे। आज तक पर पोलाना साध को लेकर हो रही डिबेट में जब अंजन ओम कश्यप हिंदू मुस्लिम एंगल करने की कोशिश करने लगी तो इस पर पूर्व आप नेता आशुतोष एंकर पर भड़क उठे। आप मीडिया पर एक गलत आरोप लगाना चाहते हैं, अंजना जी, अंजना जी, दबाव में मीडिया सही फैक्ट्स को सामने नहीं लाया। अंजना जी, अंजना जी, अगर उस शादी में शामिल एक भी शख्स को कोरोना होता है तो क्या आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर उस शादी में मौजूद एक भी शख्स को कोरोना होता है, एक सेकेंड, जब लखनऊ में बॉलीवुड की सिंगर की वजह से वसुंधरा राजे पर बहस हुई, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर बहस हुई, देश के राष्ट्रपति के पीछे वो मौजूद थे खड़े सांसद, उन पर बहस हुई, कैसे कैसी गलत बात कर रहे हैं आप, मिसलीड कर रहे हैं। मेरी बात, जब भी कोई मामला आता है बहस होती है, खबर दिखाई जाती है। आप सुनिए मेरी बात, इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग? मुंह खुलवाना चाहते हैं? इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है, जो हालत की है देश के अंदर, सच्चाई सुनना नहीं चाहते आप लोग, सच्चाई सुनना नहीं चाहते आप लोग, को डिरेल कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते आप लोग सच्चाई। इस देश के मीडिया ने यहाँ के लोगों को, इस देश के मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, इस देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। अक्सर हमने अर्नब को अपने गेस्ट पर चलाते हुए देखा है, पर कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जहां पर अर्नब को गेस्ट ने ही चुप करवा दिया हो। जब अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में थे तब एक डिबेट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्नब पर पूरी तरह से भारी पड़ गए। Mr. Swami, you see, you are, I think, indulging yourself right now. Why is Mr. Swami getting angry? What do you mean getting angry? Oh, you are utter lies and I'm supposed to keep quiet? No. Use your brain. If you have any, that is.
That's all right. Now you see, Mr. Swami. Now, Mr. Swami, you're going. What have you written to the press, you dumbo? Have you written to Rajapakse? I think you're now mentally retarded, if you ask me. जी न्यूज पर एक डिबेट में एंकर द्वारा सरकार का बचाव करते देख कांग्रेसी नेता उन पर भड़क उठे। कोई भी ऐरा गहरा आकर ZNCL के खिलाफ बोल जाएगा, कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोल जाएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोलेगा, खत्म हो चुकी है। आज के बाद जी मीडिया के खिलाफ, जी न्यूज के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, एक शब्द नहीं बोलेंगे आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को, एक शब्द नहीं बोलेंगे आप जी मीडिया के खिलाफ। आप जैसे उनकी सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं वो, टॉपिक पे रहिए और किसी पैनलिस्ट का अपमान कोई बात नहीं, आप उंगली करके बात मत कीजिए, आप एंकर हैं सर, आप एंकर हैं, आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे, आप उंगली करेंगे पैनलिस्ट की तरफ, आप भी बढ़ाऊंगा, आप पढ़ाएंगे उनको हिंदी, आप उंगली मत कीजिए, आप मैं आपको समझा रहा हूँ, एंकर बन के सवाल पूछिए, मैं उत्तर दूंगा रहा हूँ, आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे, हम लोग आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, आज के बाद जी मीडिया के खिलाफ समझा रहा हूँ, उंगली करके बात मत कीजिए, आज के बाद ZNCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ कि जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। सर मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आज के बाद जी न्यूज ZNCL के खिलाफ एक शब्द मत बोलिएगा, इतिहास पढ़ लीजिए, अक्कल आ जाएगी आपको। कोई भी आ रहा आकर आकर जी मीडिया के खिलाफ बोलेगा, चार बीजेपी के लोगों को बुलाकर बैठाएगा, हम जरूर बोलेंगे, आप जैसी हम जरूर बोलेंगे, इतना बड़ा ZNCL। छोड़िए आप, आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी हालत टाइट हो जाती है। अरे साहब रहने दीजिए, कौन है डायरेक्टर? आलोक फर्मा, नागेश्वर राव, लड़ते रहने दीजिए, सीबीआई के मुद्दे पर आ जाइए। वहीं न्यूज 18 पर मोदी जी की सुरक्षा को लेकर हो रही डिबेट में एंकर द्वारा एक पक्ष पर टारगेट करने से नेता भड़क उठे और एंकर को ही चुप करवा दिया। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया चीफ, बड़े नेता ने क्या बोला, शरद पवार की बात को हम हल्के में नहीं ले सकते, तो परसों तक आप संजय निरुपम की बात से किनारा क्यों कर रहे थे? परसों तक आप संजय निरुपम की बात से किनारा क्यों कर रहे थे जब आपको सोमवार को उतरना ही था इस कगार पर, तब आप किनारा क्यों कर रहे थे सर? अरे किसी भाजपाई को उतनी पीड़ा नहीं हुई, डिस्टर्ब किया आपको सबसे पहले हो गई सर, बात पूरी सुनेंगे नहीं, कॉपी कट पेस्ट है ये समस्या भाई, नहीं, आपको प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में भी पॉलिटिक्स देखनी है सर, लिख के लाया करो, हम दस्तखत कर दिया करें जो आपको चाहिए, हमें बोलने की क्या जरूरत है, आप लिख के आप बोल भी रहे हो और फिर आप ये बात बोल रहे हैं कि हाँ हमारा ये स्टेटमेंट है, बोल आप रहे, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को उड़ा देंगे, जैसे राजीव गांधी को उड़ाया था, वो सब कुछ गलत है, लेकिन वो पांच आरोपी सही हो गए आज। सुनिए किसकी तरफ है सर आप लोग? कितना चीखता हो गया, अरे रुकिए, ये बड़े संजीदा सवाल है, उधर हाफिज सईद कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को उड़ाकर इस्लाम का झंडा फहराएंगे, बहुत संजीदा है, बोलते रहो, तुम्हें बुलाया किस लिए हो फिर? आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, तुम्ही बोलते रहो, आपकी बात को सुन रहा हूँ मैं, अरे कहाँ सुन रहे हो, बोलिए आप कहाँ बोल पाए सर, पिछले ढाई मिनट आप लोग बोले, फिर भी कह रहे हम नहीं बोले, देखिए अरे यार कहाँ ढाई मिनट, तो तुम बोल रहे हो भैया। ज्यादातर मामलों में मीडिया अक्सर सरकार का बचाव करती नजर आती है, चाहे वह गलत हो या सही। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया अपना काम सही से करेगी और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.